जिसके बाप ने तुष्टिकरण करके सत्ता हासिल की और बेटे को जब सत्ता दी तब उसने सरकार को ही जात धर्म का जामा पहना दिया। आप पहचान गए होंगे कि हम मन से मुलायम चाचा और लंदन प्रेमी अखिलेश की बात कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए टोटी चोर अखिलेश उस हद तक गिर गया कि जून 2013 को सपा सरकार ने 2007 में लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट में शामिल 16 आतंकवाद के आरोपियों का मुकदमा वापस लेने की घोषणा की थी। बाद में कोर्ट ने इसे रद्द किया और अखिलेश सरकार को फटकारा। मई 2013 में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लंदन प्रेमी अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाने की मांग की थी। जुलाई 2013 को उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देश दिया कि थानों पर हर हाल में 2 मुस्लिम सिपाही तैनात रहने चाहिए। यही नहीं, अखिलेश सरकार में बेटियों को अनुदान भी धर्म के आधार पर मिलता था। सपा सरकार की हमारी बेटी उसका कल योजना के तहत मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपए का अनुदान मिलता था, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति और सामान्य वर्ग में गरीब लड़कियों की शादी के लिए 10,000 रुपए दिए जाते थे। इसके बाद सरकार ने साफ कह दिया कि हिंदू निर्धन बेटियों के लिए कोई योजना नहीं है। दुनिया भर के पापी जब पाताल के भीतर गड्ढा खोद के झांकेंगे तो वहाँ भी सबसे नीचे ये टोटी चोर ही दिखेगा। इस आदमी ने प्रदेश में आतंकवादियों का साथ दिया और धर्म के आधार पर बेटियों को सुविधाओं से वंचित रखा। सुरक्षा और संविधान में भी धर्म जोड़ दिया गया। अखिलेश से गिरा हुआ आदमी शायद ही इस देश में कोई और होगा।